हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ असम का नामघर। ये जर्नी है ढेकियाजुली से पेसेरिया तक। ये देखिए खेत का पहाड़, बिल्कुल नेचुरल ब्यूटी, पूरा ग्रीन ही ग्रीन। इसे बोलते हैं पॉल्यूशन फ्री एरिया। तो हम लोग नामघर के पास पहुंच ही गए। ये है नामघर का प्रथम द्वार। द्वार मतलब ये इस नामघर में एक सम्मेलन हो रहा है, उसी सम्मेलन में हम लोग जा रहे हैं। तो उसी का ब्लॉग आज आप लोगों को दिखाने वाले हैं, मतलब दिखाए रहे हैं। तो चलिए हम चलते हैं ब्लॉग की दुनिया में। ओह सॉरी, ब्लॉग नहीं, ब्लॉग ब्लॉग क्यों ना जाने मेरे मुँह में हर बार ब्लॉग की जगह ब्लॉग ही आ जाता है। और ये देखिए महापुरुष श्री श्रीमंत शंकरदेव का नामघर, और पास में एक स्कूल, बुनियादी स्कूल, ओह सॉरी फिर से गलती हो गया, प्राथमिक स्कूल। ये सम्मेलन सूत सम्मेलन कहते हैं। सूत सम्मेलन यह असम की एक जाति है जिसका नाम सूत है, और इसी सूत सम्मेलन को ही हर वर्ष मनाया जाता है। ऐसे ही इस बार मनाया गया था। ये एरिया है बेसेरिया सारीद्वार आंचलिक सूत सम्मेलन। 70 है ये द्विवार्षिक अधिवेशन, 70वां द्विवार्षिक अधिवेशन है। ये बड़े बुजुर्गों को आदर या सम्मान दे रहे हैं असम के ट्रेडिशनल गामुसा से। কামরূপ মহানগরের পুরুষ মিলনের সম্পাদক আমার মধ্যে তার উপস্থিত হয়েছে বহুমূল্য সময় নষ্ট করে তেখেত দীর্ঘায়ু কামনা করেছে। তেখেতক এখন গামোচাৰে সম্বর্ধনা জনাব আমার অভ্যর্থনা কমিটির অন্যতম সদস্য তথা আমার উপদেষ্টা সন্মান শ্রী যতীন কটকি দেবে। আমি যতীন কটকি অভ্যর্থনা জনাব অনুরোধ জানাচ্ছি। আর পিছনে আমি আগবাড়ি যাও।
बड़े बुजुर्गों के बाद मान पत्र प्रदान कर रहे हैं शिक्षार्थियों को। ये कार्यक्रम समाप्त होने के बाद हम लोग लौट पड़े घर के ओर।